चलिए स्टार्ट करते हैं इफ़िशेंसी ऑफ ब्रेटन साइकिल। इफ़िशेंसी ऑफ ब्रेटन साइकिल, उसके पहले मैं ये बोलना चाहूँगा कि लेक्चर वन आप लोग ले लीजिए। अगर आपने लेक्चर वन नहीं लिया है, उसमें मैंने बेसिक जो है गैस साइकिल के कंपोनेंट्स कौन कौन से और ब्रेटन साइकिल में कौन कौन से प्रोसेस इन्वॉल्व हैं उसमें, उसके बारे में बताया है। मैं एक बार फिर से यहाँ पर पी बी और टी एस डायग्राम ड्रॉ करूँगा और उसके बाद इफ़िशेंसी का हम लोग डेरीवेशन करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले पी वी और टी एस डायग्राम अपन यहाँ पे ड्रॉ करेंगे ब्रेटन साइकिल का, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले पी वी डायग्राम बना रहा हूँ, पी वी डायग्राम। तो पी वी डायग्राम ऑफ द ब्रेटन साइकिल, सबसे पहले देखिए 1 to 2 होगा यहाँ पर आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। 1 to 2 इज़ द आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन इन द कंप्रेसर। 2 to 3 इज़ द कॉन्स्टेंट प्रेशर हीट एडिशन इन द कंबस्टन चैम्बर। 3 to 4 इज द आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन एंड 4 to 1 इज द कॉन्स्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन। इसी डायग्राम को मैं अगर टी एस में बनाना चाहूँ तो टी एस में भी मैं बना सकता हूँ इस डायग्राम को टी एस में। टी एस प्लेन पे कैसे बनेगा देखिए, 1 to 2 इज द आइसेंट्रोपिक मीन्स एंट्रोपी इज कॉन्स्टेंट कंप्रेशन। 2 to 3 कॉन्स्टेंट प्रेशर हीट एडिशन। 2 to 3 कॉन्स्टेंट प्रेशर हीट एडिशन। 3 to 4 आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन एंड 4 to 1 इज़ द कॉन्स्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन। कॉन्स्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन, दिस इज ऑल ऑफ दिस डब्ल्यू कंप्रेशन। दिस इज डब्ल्यू कंप्रेशन 1 to 2, 2 to 3 हीट एडिशन, 3 to 4 टर्बाइन वर्क वर्किंग इन एक्सपेंशन, 4 to 1 इज द कंप्रेशर वर्क। नाउ वी डराइव द फार्मूला ऑफ द इफिशियंसी। तो किसी भी साइकिल की इफिशियंसी या किसी भी चीज़ की इफिशियंसी, जो आपका नेट वर्क, जो आपका नेट आपने आपका जो आउटपुट आ रहा है अपॉन जो इनपुट, तो इसमें जो नेट आउटपुट आ रहा है वर्क के फॉर्म में आ रहा है, तो डब्ल्यू नेट। और जो आप इनपुट दे रहे हो वो हीट सप्लाई दे रहे हो जो कि कंबस्शन चैम्बर में दी जा रही है, क्यू सप्लाई। नेट वर्क देन क्या होगा, आपका टर्बाइन का वर्क माइनस कंप्रेसर का वर्क अपॉन क्यू सप्लाई। तो अगर इसको अपन लिखें, अब देखिए यहाँ पर जो वर्क डन होगा, जैसे टरबाइन का वर्क अपन लिखते हैं, तो अपन आप देख सकते हो 3 to 4 यहाँ पे टरबाइन है। तो 3 to 4 अगर यहाँ पर टरबाइन है तो इसका जो वर्क डन होगा वो H3 - H4 होगा। इसको मैं लिखूँगा CPT3 - T4। और इसी तरह से सिमिलरली सारे जैसे कंप्रेसर का वर्क डन है तो मैं इसको लिखूँगा CPT2 - T1। क्यू सप्लाई कॉन्स्टेंट प्रेशर में हीट एडिशन हो रहा है तो इसको मैं लिखूँगा CPT3 - T2। तो यहाँ पर आप देखिए, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ CP टरबाइन कवर T3 - T4 माइनस कंप्रेशर कवर CP T2 - T1 डिवाइड बाई हीट सप्लाई CP T3 - T2। इसको अरेंज करेंगे, आप अरेंज करेंगे तो आप देखेंगे CP कैंसिल हो जाएगा, T3 - T2 माइनस T4 - T1 अपॉन T3 - T2। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं 1 - T4 - T1 अपॉन T3 - T2। ओके, तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द इफिशियंसी ऑफ द ब्रेटन साइकिल। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पर आप देखिए दो प्रेशर रेंज है जो काम कर रही हैं। पी वी डायग्राम में देखिए, लेट्स से दिस प्रेशर इज P2 एंड दिस प्रेशर इज P1। तो आप यहाँ पर एक रिलेशन आपको दिख रहा होगा T2 / T1 इज इक्वल टू P2 / P1 गामा माइनस वन अपॉन गामा वाई बिकॉज दिस इज द आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। सिमिलरली इसको आप लिख सकते हो इज इक्वल टू 3T / T4। तो इसका मतलब ये हुआ T2 / T1 इज इक्वल टू T3 / T4। यहाँ से आप ये भी लिख सकते हो कि T4
by T1 is equal to T4 by T1 is equal to T3 by T2. दोनों इक्वेशंस में माइनस वन करिए आप तो आपको एक रिलेशन आएगा, माइनस वन कर दीजिए दोनों ही इक्वेशन में, माइनस वन माइनस वन, तो आप देखिए यहाँ पे आएगा T4 माइनस T1 अपॉन T1 इज इक्वल टू T3 माइनस T2 अपॉन T2। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं T4 माइनस T1 अपॉन T3 माइनस T2, ये आ रहा है आपका T1 बाई T1 बाई T2, T4 माइनस T1, T3 माइनस T2, ये आ रहा है आपका T1 बाई T2, और इसे हम लिखेंगे ये दैट इज इक्वल टू P1 बाई P2 गामा माइनस वन अपॉन गामा। तो इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पे देखिए T4 माइनस T1 अपॉन T3 माइनस T2 को हमने यहाँ पे लिखेंगे T1 बाई T2, तो हम इसे लिख सकते हैं 1 माइनस T1 बाई T2, ओके, और T1 बाई T2 को हम लिखेंगे P1 बाई P2 गामा माइनस वन अपॉन गामा, 1 माइनस P1 बाई P2 गामा माइनस वन अपॉन गामा। ये P2 बाई P1 जो होता है दैट इज कॉल्ड अ प्रेशर रेशियो, तो P1 बाई P2 होगा 1 बाई प्रेशर रेशियो, दैट इज इक्वल टू थोड़ा स्पेस कम है, 1 माइनस 1 बाई R प्रेशर रेशियो गामा माइनस 1 अपॉन गामा। तो इफिशियंसी का जो बेसिक फार्मूला निकल के आया आपका, मैं यहाँ पे इसको इरेज कर रहा हूँ, ये वाला पार्ट मैं थोड़ा इरेज कर रहा हूँ, स्पेस की कमी है तो ये वाला पार्ट मैं इसको हटा रहा हूँ। तो इफिशियंसी का जो बेसिक फार्मूला आपका निकल के आया वो आया इफिशियंसी का जो बेसिक फार्मूला आया आपका वो निकल के आया इफिशियंसी इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन आर पी गामा माइनस 1 अपॉन गामा, ठीक है। इफिशियंसी का जो दूसरा फार्मूला, जो बेसिक फार्मूला निकल के आया, 1 माइनस T1 बाई T2। तो ये दोनों फार्मूले ही ब्रेटन साइकिल की इफिशियंसी के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, तो इनको आप ध्यान रखिएगा, दैट्स ऑल। तो आज के लिए हमने इफिशियंसी ऑफ ब्रेटन साइकिल को सीखा, आगे हम और भी इसमें कुछ करेंगे, जैसे वर्क जो मैक्सिमम वर्क डन है ना, वर्क डन हम फाइंड करेंगे, मैक्सिमम वर्क डन फाइंड करेंगे, बहुत सारे इसमें मॉडिफिकेशन है, जैसे रीहीटर है, रीजनरेटर है, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। आज के लिए यही था इफिशियंसी ऑफ ब्रेटन साइकिल, थैंक यू।